दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगस्त से पढ़ाई करके बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% कैसे लाएं। देखिए अगर आपने जुलाई तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो देखिए आपने गलती तो कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ भी देर नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अगस्त से पढ़ करके भी 90% ला सकते हो। तो बस और आपको एक चीज में ध्यान रखनी है कि देखिए अगर आपने जुलाई तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको इस चीज को अपने मन में नहीं रखना है कि यार मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की, अब मैं कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूं। तो देखिए अगर आपको इस चीज को अभी भी अपने मन में रखोगे तो आप आगे भी सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें और यह सोचना है कि अभी भी कुछ भी देर नहीं हुआ है, और सच में अभी भी कुछ भी देर नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा उन टिप्स को फॉलो करना। तो चलिए अब बगैर समय को बात किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको यह देखना है कि आपके पास अब कितना समय बचा हुआ है। तो आपके पास आई थिंक 7 महीने बचे हुए हैं अप्रॉक्स। तो अब आपको देखना है कि इन 7 महीने में आप कितना परसेंटेज बना सकते हो। तो आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक गोल सेट करना है। जरूरी नहीं है कि 90% ही लाया जाए, आप 80% 75% का भी टारगेट सोचो कि हाँ मैं इतना ही ला सकता हूं। दोस्तों 75% 80% ये भी बहुत ज्यादा परसेंटेज होते हैं, इसलिए आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक गोल सेट करें। मैं ये बार बार कहता हूं दोस्तों कि जब तक आपके पास एक गोल नहीं होगा तब तक आप उन्हें उस एनर्जी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे। तो इसलिए आपके पास एक गोल होना बहुत ही जरूरी है, वो गोल आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी पढ़ने के लिए। तो आप क्या करो कि आप एक गोल सेट करो कि हाँ मुझे इतना परसेंटेज लाना है। अब देखिए दूसरी चीज़ दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। तो आपको क्या करनी है कि आपको रोज़ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है अभी से, वो भी रोज़। कि देखिए दोस्तों मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि दोस्तों अब आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आज किसी सब्जेक्ट को आज पढ़ो और फिर अगले सब्जेक्ट किसी और दिन पढ़ो, तो इस तरीके से आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप जब तक आप रोज़ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप दिसंबर या जनवरी या फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको रोज हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, और आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं दोस्तों। ये इतना आप अगर पढ़ देते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा दोस्तों। तो आपको रोज हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और आपको 5 से 6 घंटे रोज अभी से लेकर के एग्जाम तक पढ़ाई करनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगली चीज, तीसरी चीज क्या है दोस्तों, कि वो है दोस्तों रिविजन करना। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि जितना आगे का पढ़ना होता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पीछे का रिविज़न करना। देखिए दोस्तों आप जितना भी पढ़ो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे कोई छूटे ना कोई क्वेश्चन, और वो तभी होगा जब आप बार बार उस चीज़ को रिविज़न करोगे। और आप अभी से रिविज़न करना भी स्टार्ट कर दोगे ना दोस्तों तो आपको एग्जाम टाइम पर आप पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा। नहीं तो देखिए क्या होगा दोस्तों कि अगर आपने सपोज 15 चैप्टर है साइंस में, मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, और आप सपोज यार आप 15 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हो एग्जाम तक, लेकिन आपने पीछे से रिवीजन नहीं किया, और आप जब एग्जाम से 15 दिन पहले रिवीजन करने बैठोगे तो फिर से आपको सब कुछ नया लगेगा। एक चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे तो सब कुछ आपको नया लगेगा दोस्तों। इससे बेहतर होगा कि आप जितना भी पढ़ो, भले ही 7 ही चैप्टर 8 ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन आपका पूरा वो रिवाइज होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो 7 से 8 चैप्टर ही आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला देगा एग्जाम में। तो इसलिए आपको रिवाइज भी टाइम टू टाइम करते चलना है पढ़ी हुई चीज़ों का। और देखिए दोस्तों चौथी चीज और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज देखिए दोस्तों वो है दोस्तों आपको अब डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आपके अंदर बार बार आपका माइंड भटकता है इधर उधर तो इन सब टिप्स का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप कितना भी पढ़ लो कितना भी कुछ भी कर लो दोस्तों, अगर आपका माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है, पढ़ाई पे आप फोकस नहीं रह पाते हो, तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। इंस्टा फेसबुक व्हाट्सअप इन सब चीज़ों को बहुत ही अब कम टाइम देना है दोस्तों। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हुए, इन 6 से 7 महीनों में आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। इंस्टा फेसबुक तो जिंदगी भर है ही चलाने के लिए, लेकिन अगर एक बार ये बोर्ड रिजल्ट खराब हो गया तो ये आपको लाइफ टाइम अफेक्ट करेगी दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको इन सब चीज़ों से भी बचना है। दोस्तों ज़्यादा घूमना फिरना अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अगस्त से मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।